पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल हनुमान जयंती मंगलवार यानी 23 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इसी दिन हनुमान जयंती का होना बहुत शुभ माना जा रहा है। हनुमान जयंती का दिन हनुमान भक्तों के साथ ही राम भक्तों के लिए भी काफ़ी खास दिन होता है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं राम जी के परम प्रिय भक्त हैं। इस शुभ दिन पर भक्तगण पूजा पाठ करते हैं और धूमधाम से बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद ही हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको बताते हैं। हर साल चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को रामनवमी का त्यौहार प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी साल देश में रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई गई। वहीं इसके 6 दिन बाद यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि 23 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के कास सवारे। यानी राम जी सबके बिगड़े कार्य बनाते हैं, लेकिन हनुमान जी उनके काम बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म प्रभु राम की सहायता और बिगड़े काम बनाने के लिए हुआ है। भगवान राम का जन्म श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर त्रेता युग में हुआ। वहीं हनुमान जी को भगवान शिव का 11 रुद्र अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान राम का जन्म धरती लोक पर असुरों के संहार के लिए मानव रूप में हुआ, लेकिन इससे शिव जी चिंतित हो गए और राम जी की सहायता के लिए उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सहायता की। ऐसे ही धार्मिक लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टाफीड।